चाहे मैं तैयार कर ले, यह था पावर बैंक। लेजेंड अदाकार रंगीला की 16वीं बरसी के मौका पर रहमान फाउंडेशन के दफ्तर मॉडल टाउन लाहौर में दुआया तकरीब का एहतमाम। तकरीब में कुरान खानी का एहतमाम किया गया और फनकारों के अलावा सियासी व समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। फन के बेताज बादशाह रंगीला की बेटी और साबिक एमपीए फरादीबा ने अपने वालिद की याद में तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में मरहूम की फन्नो शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू की गई। फरादीबा का कहना था कि मेरे वालिद नामवर फनकार होने के साथ साथ एक बड़े इंसान भी थे। मेरे वालिद साहब के नाम से तो सब वाकिफ हैं, इंटरनेशनल आदमी और बहुत ही एक बड़े आदमी, एक यानी कि फिल्म स्टार रंगीला मरहूम होने के साथ साथ एक बड़े इंसान भी थे। और अपने हों, पराए हों, या वो अगर किसी के साथ जान पहचान भी नहीं हो, किसी की भी तकलीफ देखते थे तो वो रो पड़ते थे। बहुत ही रहम दिल, बहुत ही नरम दिल के इंसान थे। आज उनकी 16वीं बरसी है और हमेशा की तरह मीडिया ने हमेशा उनको ट्रिब्यूट दिया है और हमेशा उनको खराज तहसीन पेश किया है, और मैं मीडिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज उनके लिए हमने कुरान खानी भी करवाई है और जगह जगह मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, उनके जो फैंस हैं। और रहमान फाउंडेशन, क्योंकि यहाँ पर मैंने उनकी मैं बहसीत यहाँ पर एज अ डायरेक्टर हूँ, और मैंने उनके लिए यहाँ पे दुआ रखी है। उनके जो पुराने क्लीग्स, उनके जो दोस्त हैं, तो उनकी बीच में यानी कि शमूलियत है। मौका है, बहुत बड़ी खुशी का है बुकराज भाई, तुमने इतनी बड़ी आसानी फांसी है कि दौलत के रेल पेल से आपके भरे नारे और मेरे कुछ जीने के सहारे बन जाए। अब तुम बाकायदगी से इसको गाना सुनाने लाते रहना। अच्छा, मेरी तरह देखकर बात कीजिए, माफ कीजिए, मुझे यकीन है कि आपने मेरी हरकत का बुरा नहीं मनाया होगा। अच्छा, मेरा ख्याल है पुकराज भाई एक ही निशात आपकी वाहिद और इकलौती बेटी। तकरीब में साबिक सूबाई वजीर मियां इमरान मसूद, साबिक MNA मियां मुनीर, अदाकार औरंगजेब, राशिद महमूद, तारिक ताफू और बहुत सी दीगर शख्सियात ने शिरकत की। अदाकार औरंगजेब का कहना था कि मुझे फिल्मों में रंगीला ने मुतारफ कराया, उन्होंने मुझे सिखाया कि कैमरे के सामने कैसे खड़ा होना है। वो तालीमी याफ्ता न होने के बावजूद क्रिएटर थे। मेरा नाम औरंगजेब ईशाई है, मुझे रंगीला साहब ने इंट्रोड्यूस किया। वो गाना मुझे जब भी जाता हूँ कहते हैं जी वो गाना, तू हुस्न की देवी हो मैं हूँ तेरा पुजारी, वो गाना है। और मैं हीरो था उस फिल्म में, और रंगीला साहब ने मुझे सिखाया कि खड़े कैसे होते हैं, कैमरे को फेस कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं, और मेरे उस्तादों में से थे। और मैं उनके मुतालिक क्या कह सकता हूँ कि वो जीनियस थे, बग़ैर पढ़े लिखे ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन क्रिएटर थे, क्रिएट करने वाला। क्रिएटर की कोई एजुकेशन नहीं होती, उसकी सोच होती। तकरीब में रंगीला की फनी खिदमात पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। हाँ हाँ, बस अल्लाह इसी को लाइव करे। पुखराज भाई आओ जंगू सेठ, क्या हाल है पुखराज भाई? बस दुआ है आपकी। हाथ की सफाई, मालो जान का नुकसान, पैदावार की तबाही, जात के लगते हो नाई क्यों मेरे भाई? मालूम होता है तेरी शामत है आई, बड़े चहक रहे हो ऑस्ट्रेलिया के तोते, चूरी खाओगे। पीने वाला क्या खिलाएगा? तुम्हारा मतलब बिस्की से है? नहीं, आलू गोश्त से। क्या बकवास शुरू कर दिया तुमने? निषाद कहां है पुखराज भाई? कोई शेर साहब उनके दोस्त हैं,
से मिलने आए हैं निशा से। क्या कहा? हमारे होते हुए कोई दूसरा यहाँ नहीं आ सकता। नहीं आ सकता बल्कि जा सकता है। तुम कब जा रहे हो? आपकी गुफ्तगू कुछ पसंद नहीं आई। बोलो शेर साहब, इनसे मिलिए, ये जंगू सेठ है। और निशात, तुम कहाँ जा रही है? निशात, तुम्हारी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे साथ जा रही है, इसलिए कि मेरा जीते भी तुम इसे त्वरित नहीं बना सकती। क्या कहता है लड़के? किस मुकुंदे का दिमाग दुरुस्त कर दो जंगू, ये मेरी सारी उम्र की कमाई लूट कर ले जाना चाहता है। देखो तो सही कितना बेगैरत इंसान है। खामोश, आराम से लड़ाई देखो। आपको गलत फहमी हुई है पहलवान जी, मैं चमचा तो नहीं, मैं तो सिर्फ गा लाया था। ये मेरी बदकिस्मती है कि मालिक खराब निकला। ले जाओ तेरी तुम आदमी को, आज तो मैंने ये जिम्मा छोड़ दिया है, फिर कभी आया तो इसमें जान से मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम आपको ये तकलीफ नहीं देंगे। ले जाओ इसे घोड़ा अस्पताल। अच्छा दिला, जल्दी करो। उठो कोचवाल के बच्चे, ठहर जाओ, मुझे बाहर से जाओ। ऐसे नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो सर। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है आंटी? मैं आज सारे बाजार तमाश बनकर नाची है और ये लड़ाई झगड़ा भी उसी का घर तो हुआ है। उस दलील लड़की की वजह से मेरे बेटे की ये हालत बन गई है। तुम उसे घर क्यों गए हो? इसे वही मर जाने दिया होता शरीफ। या क्या कर रहे हैं अंकल? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हमारे खानदान की इज्जत इतनी सस्ती तो न थी कि वो महमूद के हाथों तवायफ के कोठे पर बिक जाती। इससे तो बेहतर था कि ये वजीर भी मर जाता। नजर से दूर हो जाओ, मैं इसकी सोच भी देखना नहीं चाहूँगा।